राज्य के कृषि विभाग के अथक प्रयास का ही प्रतिफल है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में बिहार ने नए आयाम रचे हैं। राज्य सरकार किसानों के हित में तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है फसल अवशेष प्रबंधन। जल जमीन और जलवायु जीवन के अति आवश्यक तत्व हैं। इन्हें प्रदूषण से बचाना अनिवार्य है। आज की कृषि प्रणाली इन तीनों की गुणवत्ता को बचाते हुए खेती करने की राह दिखाता है। अज्ञानता के कारण किसान फसलों के अवशेषों को जलाकर खेत की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं, जिससे होने वाले नुकसान इस प्रकार हैं। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की क्षति होती है, जमीन में पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं का सफाया हो जाता है एवं एरोसोल के कण निकलते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ ही फसल अवशेष जलाने से बचे राख में खतरनाक किस्म के अवयव प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं। एक टन पुआल जलाने से 199 किलोग्राम राख, 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड एवं 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्व प्राप्त होते हैं जो मिट्टी के साथ साथ जलवायु को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फसल अवशेष को जलाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेषों के सही प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। धान के पुआल खूंटी भूसा आदि को वर्मी कंपोस्ट निर्माण में गोबर के साथ प्रयोग कर जैविक खाद बनाया जाता है। साथ ही फसल अवशेषों का उपयोग मल्चिंग तकनीक में भी किया जा सकता है। इससे खेत की नमी बनी रहती है और सिंचाई जल की भी बचत होती है। यदि एक टन पुआल को मिट्टी में मिलाते हैं तो नाइट्रोजन 10 से 15 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 से 800 किलोग्राम जैसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। बिहार सरकार द्वारा किसानों को फसल अवशेष जलाने के बदले उनका खेतों में प्रबंधन कर खाद के रूप में उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेती के विभिन्न प्रकार के यंत्रों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें रीपर कम बाइंडर, एस्ट्रो बेलर, हैप्पी सीडर, रोटर मल्चर, एस्ट्रो रीपर एवं सुपर सीडर आदि प्रमुख हैं, जिस पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि फसल की कटनी के बाद उसमें आग लगा दे रहे तो कितना नुकसान हो रहा है, उसकी कीमत अच्छी किसानों को मिल जाए। अगर उसको पता चलेगा कि भाई हम जलाएंगे नहीं, जो कुछ भी हमारा है उसको निकालेंगे और उसको इकट्ठा करेंगे, तो ये भूसा है या अन्य प्रकार से भी जो इसका उपयोग होगा, कई प्रकार से इसका उपयोग होगा, उसके लिए उनको आमदनी हो जाएगी। जैसे अनाज बेचते हैं उससे आमदनी है, उसी तरह से फसल अवशेष से भी उनको आमदनी हो जाएगी। धान की बुआई हुई थी इसमें और कटिंग हुई थी रीपर से, तो इसका इतना बड़ा बड़ा डंटेल था, इतना बड़ा बड़ा, तो उसको जलाया नहीं गया, रोटावेटर से इसको काटा गया और काट के फिर से ड्रिल से इसको करके फिर वेस्ट कंपोजर चला गया, देख दिए टूट जा रहा है। ये कंपोस्ट खाद के रूप में, ये अभी तो नहीं, लेकिन अब अगला पटवन होगा तो ये टोटल कंपोस्ट की खाद में आ जाएगा। ये अभी गेहूं की बुआई 25 दिन 26 दिन हुई है इसकी बुआई की हुई, और उसके बाद जैसे ही होता है तो फिर अगला पानवन में ये पटेगा और वेस्ट डिकम्पोजर चलेगा, तो टोटल सड़ पूरे खेत में ऐसा किए हुआ गया, गया धान काट के और ऐसे केयर कर दिया गया। जलाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ये फसल अवशेष किया गया है और इससे जो फसल है ये ज़्यादा हरा भरा रह रहा है।